इंग्लैंड के लीड्स में आधी रात को हिंसा भड़की, बेलगाम दंगाइयों ने कई घरों को फूंक डाला, तमाशबीन बनकर देखते रहे सैकड़ों लोग। ये देखिए, ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, इंग्लैंड के लीड्स की तस्वीरें हैं जहां पर रात में हिंसा हुई है, बेलगाम दंगाइयों ने कई घरों में आग लगा दी। और कैसे देख रहे हैं आप कि घरों में आग लगी और उसके बाद धू-धू कर घर के घर जल रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर एटीवी नाइन भारत वर्ष आपको दिखा रहा है। इंग्लैंड की ये तस्वीर है, लीड्स में कोहराम मचा हुआ है, बस और पुलिस की गाड़ियों में भी दंगाइयों ने आग लगा दी। और इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर, दंगाइयों ने पुलिस की गाड़ियों को भी निशाना बनाया, पुलिस की गाड़ी पर जमकर पथराव किया गया है। दंगा प्रभावित इलाके में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। ब्रिटेन के लीड्स की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देखिए किस तरह से दंगा भड़का हुआ है, सड़कों पर आगजनी और तोड़फोड़। ये देखिए दो तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं ब्रिटेन के लीड्स की, जहां पर आधी रात और कैसे भारी बवाल मच गया, दंगाइयों ने किस तरह से तोड़फोड़ की है और जो पुलिस है पुलिस पर भी पथराव किया गया। कई एम्बुलेंस आपको नजर आ रही है, पुलिस की गाड़ियां आपको नजर आ रही जिन पर पथराव किया गया और कैसे जो दंगाई है वो लगातार नारे लगाते हुए नजर आ रही है। तस्वीरें आपके सामने, इंग्लैंड के लीड्स में आधी रात हिंसा भड़क गई, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे, बेलगाम बेकाबू दंगाइयों ने कई घरों को फूंक दिया। एक और तस्वीर आप देखिए कैसे रिहायशी इलाके में आगजनी की गई, कई घरों को फूंक दिया गया है और इसके अलावा पुलिस की गाड़ी को नहीं बख्शा गया, बसेस को नहीं बख्शा गया है, सभी में आग लगा दी गई। ये इस वक्त के हालात ब्रिटेन के लीड्स में। तो एक तस्वीर इस वक्त आपके सामने, ये तस्वीर जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं ये है किस तरह से लीड्स में घरों में भी आग लगा दी है आक्रोशित दंगाइयों ने। मनीष झा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, मनीष वजह क्या है इस आक्रोश के पीछे, इस दंगे के पीछे और इस वक्त वहां पर क्या हालात हैं? देखिए मूल कारण तो ये था कि सोशल सर्विस की टीम वहां पर पुलिस के साथ आई थी और फिर एक इमिग्रेंट फैमिली के बच्चे को लेकर चली गई थी और जिसके वजह से वहां पर जो लोकल लोग थे वो आक्रोशित हो गए। उन्हें लगा कि जो जिस वजह से सोशल सर्विस की टीम आकर ले गई बच्चे को और उसके माँ बाप से जी अलग करके लेके गई, कारण सही नहीं था और बस इसके बाद से लोग उसके विरोध में सड़क पर उतरे और फिर उसके बाद पुलिस के ऊपर उन्होंने अपना गुस्सा निकाला, पुलिस की गाड़ी पर पत्थरबाजी की, फिर उन्होंने बस में भी आग लगाई, पुलिस में भी आग लगाई और फिर धीरे धीरे जो पूरा शहर है वो दंगे के चपेट में आ गया। यहाँ तक कि उस इलाके के जो काउंसिलर थे मोतिन अली वो भी इस दंगाइयों के साथ भीड़ में पत्थरबाजी करते हुए देखे गए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए ये बात तो है कि यूरोपियन कंट्री में अक्सर जो इमिग्रेंट फैमिली है उनको जिस तरह से बच्चों को अलग किया जाता है वो एक अलग कॉज ऑफ कंसर्न है, लेकिन हाँ दंगाइयों ने जिस तरह से आग लगाई उसके बाद से लगातार बिल्कुल मनीष हम देख पा रहे हैं कि कई लोगों के घरों में दंगाइयों ने आग लगा दी थी, धू धू कर कई घर जलते हुए नजर आ रहे हैं वीडियो में। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। एक और बड़ी खबर है, हमास कमांडर दाइफ पर हुआ है बड़ा खुलासा, हमास का कमांडर इन चीफ मोहम्मद दाइफ जिंदा हो सकता है। IDF ने जारी किए गए पोस्टर में दाइफ को मृत नहीं बताया है। कुछ घंटे पहले IDF ने आधिकारिक डिटेल जारी किए, 13 जुलाई को अलमवासी कैंप पर हमले में मारे जाने की आई थी खबर। अलमवासी कैंप पर हमले में 300 से ज्यादा लोग मारे गए थे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि दाइफ जिंदा हो सकता है। तो देखिए इसराइल डिफेंस फोर्स के दावे और जारी किए गए पोस्टर की डिटेल आपको दिखाते हैं, सीधा बिग बॉल का हम रुख कर रहे हैं। तो आप ये जो पोस्टर देख रहे हैं इसमें हमास के 14 कमांडर्स की तस्वीरें, यहां पर आप देखिए 14 कमांडर आप देख पा रहे हैं, जिंदा है हमास का कमांडर दाइफ, ये दावा है। आपको बता दें कि इसमें मोहम्मद दाइफ भी है ये जो पोस्टर, और ये देखिए ये हमने खास तौर पर ये दिखाया आपको जूम करके, मोहम्मद दाइफ की जो तस्वीर है वो आप देख पा रहे हैं, हमास मिलिट्री विंग का कमांडर है ये, इसकी तस्वीर को जारी किया गया। दाइफ को गाजा के खान यूनिस में मारने का दावा किया गया था, लेकिन महज
पांच दिनों में ये पूरी खबर ही पलट गई। देखिए बाकी सभी में अगर आप देख पा रहे हैं, यहां पर आप देखिए स्टैंप में एलिमिनेटेड एलिमिनेटेड एलिमिनेटेड, लेकिन मोहम्मद दाइफ की तस्वीर में एलिमिनेटेड का कोई स्टैंप आपको नजर नहीं आ रहा। यह पोस्टर में साफ तौर पर देखा जा रहा है। इजरायली सेना ने पोस्टर को जारी किया और उसमें मारे गए कमांडरों के ऊपर जैसा आपको बताया कि एलिमिनेटेड लिखा हुआ, लेकिन दाइफ की तस्वीर के ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया। एक बार फिर से आप देखिए, पहले जो दावा था कि मोहम्मद दाइफ मारा गया, लेकिन यह है जो इसराइल की तरफ से जो खुद ये पोस्टर जारी किया गया, इसमें यहां पर देखिए ये जितने कमांडर, यहां पर आप देखिए मोहम्मद सिनवार है, इन सब में अगर यहां पर देखिए वहां पर भी सिनवार के ऊपर एलिमिनेटेड नहीं लिखा हुआ है। इसके अलावा गाजी अबू तामा जो कि हेड ऑफ है हमास एडमिनिस्ट्रेशन का, मिलिट्री काउंसिल का, यहां पर भी ये एलिमिनेटेड लिखा है। लेकिन अगर बात करें मोहम्मद दाइफ की जो कि कमांडर है हमास मिलिट्री विंग का, वहां पर कोई भी एलिमिनेटेड जैसा शब्द नजर नहीं आ रहा है। एलिमिनेशन ऑफ हमास मिलिट्री विंग लीडरशिप, ये पोस्टर कौन जारी कर रहा है? ये खुद इजराइल की तरफ से आईडीएफ की तरफ से जारी किया गया है और सभी में ये साफ बताया गया है कैसे इन सभी का खात्मा कर दिया गया है। ये सभी वो बड़े लीडर्स हैं जो कि हमास के, इन सब का खात्मा किया गया है। मोहम्मद सिनवार देखिए यहां पर कुछ नहीं लिखा गया जो कि हेड ऑफ ऑपरेशन है, लेकिन बाकी सब में लिखा और यहां पर भी नहीं लिखा है। मोहम्मद दाइफ को भी आप देखिए, जिसको लेकर दावा था कि हाल के हमले में जो कैंप पर हमला हुआ था उसमें मोहम्मद दाइफ मारा गया, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अब इस बात को लेकर सवाल उठा है क्योंकि मोहम्मद दाइफ के पोस्टर में भी एलिमिनेटेड का जो स्टैंप है वो नजर नहीं आ रहा इस पोस्टर में। इधर इस पोस्टर के जरिए आईडीएफ का दावा है कि अभी तक के हमले में हमास के जो टॉप लीडरशिप में से आधे को खत्म किया जा चुका है, छह ब्रिगेड कमांडर ऑपरेशन में ढेर किए गए हैं, यह जानकारी सामने रखी गई है, और इसके अलावा 20 बटालियन कमांडर भी ऑपरेशन में ढेर किए गए हैं आईडीएफ की तरफ से जो हमास के खिलाफ ऑपरेशन चलाया गया, और साथ ही 150 कंपनी कमांडर को भी ढेर किया गया, 60,000 हमास ठिकानों को पूरी तरह से तबाह करने का दावा किया गया है इसराइल की तरफ से। हथियार बनाने की जो कंपनी है वो भी इसराइल के हमले में तबाह हो गई है। टनल नेटवर्क को पूरी तरह से, जो कि सबसे बड़ी ताकत हमास की मानी जाती रही है, उसको भी ध्वस्त किया गया है, यह भी दावा। और बड़ा सवाल अब क्या है, दाइफ की मौत पर कोई दावा आखिर इसराइली सेना आईडीएफ की तरफ से क्यों नहीं किया गया? क्या वो अभी जिंदा है? जी हाँ, तो ये है बड़ा सवाल। और सबसे पहले आप ये भी जान लीजिए कि आखिर कौन है दाइफ। आप सोच रहे होंगे आखिर हम गाजा के गॉडफादर कहे जाने वाले कमांडर मोहम्मद दाइफ पर इतनी चर्चा क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब दाइफ की कुंडली है। ये देखिए कमांडर मोहम्मद दाइफ की कुंडली आपके सामने रख रहे हैं। 7 अक्टूबर के हमले का ये मास्टर माइंड बताया जाता है और इसराइल पर हमले की साजिश इसी ने रची। हमास के टॉप नेता इस्माइल हानिया का राइट हैंड इसे कहा जाता है कसाम ब्रिगेड की कमान संभाल रहा था। हमास लड़ाकों को आक्रामक बनाने का इसे श्रेय जाता है। 1995 से इजराइल का यह मोस्ट वांटेड है। आबादी के बीच छिपकर रहने में माहिर है। कैमरों से हमेशा इसने दूरी बनाकर रखी है। 13 जुलाई को मवासी कैंप में मारे जाने की भी खबर आई थी। और हमारे सहयोगी मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसी पर बात करने के लिए। मनीष, ये जो पोस्टर जारी किया गया जिसमें दाइफ के मृत होने की कोई जानकारी नहीं है, क्या इससे यह माना जाए कि दाइफ अभी जिंदा है? देखिए, चूंकि ये पोस्टर आईडीएफ ने जारी किया है और कुछ घंटे पहले उन्होंने जारी किया है, तो कुल मिलाकर कहा जाए तो आईडीएफ की तरफ से ये अपडेट है कि आईडीएफ का क्या मानना है और हमास के कौन कौन से कमांडर अभी जीवित हैं, जिसमें दाइफ को उन्होंने मृत नहीं घोषित किया है। तो इसका मतलब साफ तौर पर है कि एक तरह से आईडीएफ ये दुनिया को बताने की कोशिश में है कि 13 जुलाई के हमले में दाइफ नहीं मारा गया था और इसीलिए दाइफ अभी तक जिंदा है और अब उसे मारने में हम लगे हुए हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो हमास के जिस सबसे बड़े कमांडर इन चीफ दाइफ के मारे जाने की बात सामने आई थी, अब उसे लेकर आईडीएफ ने एक तरह से अपना स्पष्टीकरण दे दिया है कि दाइफ जिंदा है और दाइफ को मारने के लिए अभी भी आईडीएफ लगी हुई है, और ये एक सबसे बड़ा डेवलपमेंट है। हाँ, ये बात अलग है कि 13 जुलाई के उस हमले में जिस तरह से 150 लोग मारे गए, 300 लोग घायल हुए थे, लेकिन मोहम्मद दाइफ के नाम पर आईडीएफ ने उस वक्त सबका ध्यान भटकाने की कोशिश की थी कि हमारा टारगेट दाइफ था, हमने दाइफ को मारा है, जबकि हकीकत अब आईडीएफ का यही पोस्टर बता रहा है। बिल्कुल, और इसी हमले में इस बात का पहले इसराइल दावा भी करता है कि मोहम्मद दाइफ इस कैंप में मौजूद था, जिसको मारा गया है वो टारगेट था। लेकिन अब इसराइली डिफेंस फोर्स की तरफ से अभी जो पोस्टर जारी किया गया, इसके बाद मौत को लेकर सवाल है। अब खबर लेबनान फ्रंट से, मनीष आप हमारे साथ बने रहिए। बड़ी खबर क्या है? इसराइल का हिजबुल्ला के हेडक्वार्टर पर बड़ा हमला, 3 मंजिला हेडक्वार्टर इमारत पूरी तरह से तबाह। हमले में हिजबुल्ला के रद्वान फोर्स का कमांडर ढेर किया गया। हिजबुल्ला ने कमांडर हबीब मातू की मौत को कंफर्म भी किया है। साउथ लेबनान के अल
चुमैना में है हिजबुल्ला का यह हेडक्वार्टर। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इसराइल की तरफ से एक और बड़ा हमला किया गया हिजबुल्ला के हेडक्वार्टर पर। यह बड़ा हमला, 3 मंजिला हेडक्वार्टर इमारत पूरी तरह से तबाह कैसे हो गई यह आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि हमले में हिजबुल्ला के रिजवान फोर्स का कमांडर ढेर हुआ है, इस बात का दावा। तो दो तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ आप देखें किस तरह से हिजबुल्ला के हेडक्वार्टर पर हमला किया गया और लगातार हमले जारी है दक्षिण लेबनान के तमाम इलाकों में जहां पर हिजबुल्ला के ठिकाने हैं, और दूसरी तरफ जो हिजबुल्ला का एक कमांडर है जो ढेर किया गया, खुद हिजबुल्ला की तरफ से कंफर्म किया गया है कि उनका जो कमांडर है हबीब माथू किसका नाम है ये मारा गया है। और एक अहम खबर है, इसराइल के हमले में एक और कमांडर के मारे जाने की पुष्टि हुई है। ड्रोन अटैक में अल इस्लामिया का कमांडर अहमद जबरा मारा गया है। मौत पर लेबनानी इस्लामिक ग्रुप ने शोक संदेश जारी किया है। तो देखिए मौत पर लेबनानी ग्रुप ने संदेश भी जारी किया है, तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। ड्रोन अटैक में अल इस्लामिया का ये कमांडर है अहमद जबरा, इसका नाम है, ये मारा गया है। तो इसराइल लेबनान जंग की भले ही दुनिया में रूस यूक्रेन या इसराइल गाजा युद्ध जैसी चर्चा ना हो, लेकिन यह दुनिया के लिए बड़ी चिंता है क्योंकि इसराइल हिजबुल्ला के बीच हमले लगातार तेज हो रहे हैं। अगर इस युद्ध की लपटों को भड़कने से रोका नहीं गया तो मिडिल ईस्ट महायुद्ध का गवाह बन सकता है। आप इन दोनों तस्वीर से इसे समझ सकते हैं, सिर्फ 12 घंटे में इसराइल ने लेबनान के अंदर घुसकर 2 बड़े कमांडरों को ढेर कर दिया है। ड्रोन अटैक में कमांडर जबरा मारा गया तो मिसाइल अटैक में कमांडर हबीब निपट गया। अब ऐसे में हिजबुल्ला भी बदला लेने के लिए भीषण हमला कर रहा है। बड़ी खबर क्या है, देखिए हिजबुल्ला का बदला प्रहार क्या होगा। किरियत शिमोना में हिजबुल्ला के नॉनस्टॉप हमले लगातार जारी है। मेरोन और गलीली में भी हिजबुल्ला का हमला हो रहा है। इसराइल के 7 शहरों पर बड़े हमले का खतरा है। नहारिया से 60,000 लोग घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए, ये खबर। और एक और अहम खबर आ रही है, वो भी बता दें, इसराइल में यह खबर है जहां तेल अवीव के पौश इलाके में धमाका हुआ, हिजबुल्ला के सुसाइड ड्रोन ने मचाई है तबाही, हिजबुल्ला का इसराइल से विध्वंसक बदला। तो देखिए अभी की ये बड़ी खबर है, कल इसराइल ने हिजबुल्ला का कमांडर मारा था और आज हिजबुल्ला ने उसका बदला भी ले लिया। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, देखिए एक्सक्लूसिव खबर है TV9 भारतवर्ष की, इसराइल से जहां तेल अवीव के पौश इलाके में धमाके की जानकारी है, धमाकों की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही है, हिजबुल्ला के सुसाइड ड्रोन ने यह तबाही मचाई है, हिजबुल्ला का इसराइल से विध्वंसक बदला। तो मनीष हमारे साथ जुड़े हुए, मनीष कल इसराइल ने हिजबुल्ला का कमांडर मारा और आज देखिए कैसे जोरदार धमाके के साथ हिजबुल्ला ने उसका बदला भी ले लिया। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिजबुल्ला और IDF दोनों एक दूसरे पर जिस तरह से अटैक कर रही है और दोनों के अटैक उतने ही विध्वंसक हैं। जहां हिजबुल्ला के ड्रोन तेल अभी तक पहुंचने में कामयाब हो रहे हैं वहां पर वो टारगेट को भी अचीव कर पा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ IDF की तरफ से हिजबुल्ला के टॉप कमांडर एक के बाद एक ढेर होते जा रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि पहले उन्होंने कल एक अल इस्लामिया के कमांडर को ईस्टर्न लेबनान में मारा और उसके बाद फिर नारवान फोर्स के कमांडर अल जाफर मातुक को उसने मार गिराया। तो हिजबुल्ला के कमांडर मारे ही जा रहे हैं, लेकिन हाँ ये बात है कि जंग और ज्यादा बढ़ती जा रही है, दोनों तरफ से बढ़ती जा रही है, दोनों तरफ से हिचक करी सही, लेकिन हमले लगातार जारी है। और देखिए इस बीच एक बड़ी खबर बांग्लादेश से है, बांग्लादेश की खबर का हम रुख कर रहे हैं। बांग्लादेश में हालात और ज्यादा गंभीर हो गए, ढाका समेत कई इलाकों में हिंसा भड़क उठी है, आप पुलिस वालों को निशाना लगातार आक्रोशित छात्र बना रहे, तो आरक्षण को लेकर बवाल छिड़ा हुआ है बांग्लादेश में और इसको लेकर क्या हालात है यह आप देखिए। ढाका समेत कई इलाकों में हिंसा फैल चुकी है, आप पुलिस वालों को भी आक्रोशित छात्र निशाना बना रहे। तो बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी छात्रों ने देश बंद का ऐलान कर दिया है। पीएम शेख हसीना की अपील को छात्रों ने ठुकरा दिया। पीएम शेख हसीना ने छात्रों को वार्ता के लिए बुलाया लेकिन बातचीत को तैयार नहीं है छात्र। ये देखिए आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से बवाल मचाया है छात्रों ने, कहा यह जा रहा है कि पीएम शेख हसीना की बातचीत प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया गया। क्या
आगे बढ़ेंगे। अब खबर दिल्ली के जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी की है। दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी कर्मचारी पर गंभीर आरोप लगा है। धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने का आरोप है। 3 लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है। यूनिवर्सिटी के कर्मचारी ने शिकायत दर्ज की थी। तो आप देखिए आरोप जो लगा गए वाकई बहुत ज्यादा गंभीर है। आइए समझते हैं कि पूरा मामला है क्या। दरअसल जामिया यूनिवर्सिटी में धर्म परिवर्तन रैकेट को लेकर जो बात कही जा रही, क्या है ये पूरा मामला। दिल्ली के जामिया नगर थाने में केस को दर्ज किया गया है। यूनिवर्सिटी के 3 लोगों पर SC/ST एक्ट में केस दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायतकर्ता ने लिखा है कि उससे कहा गया कि कलमा पढ़ लेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया गया है। शिकायतकर्ता ने जामिया यूनिवर्सिटी में अपर डिवीजन क्लर्क ज्वाइन किया था और इसके बाद अब ये जो मामला है वो गर्माता हुआ नजर आ रहा है। इस आरोप पर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने क्या अपना पक्ष रखा ये भी आप जान लीजिए। आरोप पर जामिया की सफाई क्या है। शिकायतकर्ता के जो आरोप है वो निराधार और झूठे हैं ये यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से कहा गया। शिकायतकर्ता यूनिवर्सिटी के काम में बाधा डाल रहे हैं। यूनिवर्सिटी और वर्तमान प्रशासन को अस्थिर करने की ये कोशिश की गई है जो आरोप लगाए गए हैं ये कहा गया।